नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। तो सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें खास क्यों हैं और इनके राजनीतिक मायने दरअसल क्या है। तो सबसे पहली खबर, बिहार सरकार ने जातीय जनगणना की रिपोर्ट जारी कर दी है, इसमें क्या खास है इस पर हम चर्चा करेंगे। जो दूसरी खबर है, बड़ी खबर है, वो ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने चित्तौड़गढ़ में क्यों कहा कि अशोक गहलोत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, इस पर भी हम बात करेंगे। तीसरी खबर है, शिवराज के किस बयान ने मध्य प्रदेश की सियासत में गर्माहट ला दी है, इस बारे में हम आपको बताएंगे। चौथा जो आज बड़ा मुद्दा रहा है वो ये है कि क्या उत्तर प्रदेश का बंटवारा होगा, ये चर्चा क्यों शुरू हो गई है, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। जो पांचवी बड़ी खबर है वो है, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की लिस्ट कब आएगी और कौन हो सकते हैं उम्मीदवार, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए अब इन खबरों को हम विस्तार से जान लेते हैं। तो सबसे पहली खबर बिहार से जुड़ी हुई, बिहार सरकार ने आज एक बड़ा चुनावी दांव खेलते हुए जातीय गणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं। इन आंकड़ों के हिसाब से बिहार की कुल आबादी 13,07,25,310 है। इनमें 63% पिछड़े और अति पिछड़े हैं। सिलसिलेवार तरीके से अगर देखें तो पिछड़ा वर्ग 27.12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36.1%, अनुसूचित जाति 19.65%, अनुसूचित जाति 1.68% और सामान्य वर्ग 15.52% है। और आइए आपको अब सुनाते हैं कि गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलके राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भरम के सिवा और कुछ नहीं। दो चरणों में हुई इस जनगणना का अब सियासी रंग लेना तय है, क्योंकि इंडिया अलायंस के घटक दल पहले दिन से जातीय जनगणना की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि भाई देश में ओबीसी की आबादी 50% से ज्यादा है, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व उतना नहीं है। इसके अलावा नीतीश सरकार का कहना था कि वो लोगों की आर्थिक स्थिति और उनकी जाति से संबंधित जानकारी लेना चाहती थी, ताकि उनकी बेहतरी के लिए योजना बनाई जा सके। अब इस आंकड़े के बाद विपक्ष केंद्र पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा कि वो जातीय जनगणना का ऐलान करे। राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठाते हुए इसे केंद्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की केंद्र सरकार जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं है। दूसरी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के दौरे पर थे। उन्होंने चित्तौड़गढ़ को 7,000 करोड़ से ज्यादा की विकास योजनाओं की सौगात देने के साथ अपने भाषण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर हमला किया। मोदी ने कहा कि गहलोत अपनी हार मान चुके हैं, क्योंकि वे अभी से बीजेपी की बनने वाली सरकार से गारंटी मांग रहे हैं। उनके इस बयान के बाद सचिन पायलट ने मोदी पर निशाना साधा। राजस्थान की जनता का संदेश कांग्रेस के नेताओं तक भी पहुंच चुका है। यहां मुख्यमंत्री गहलोत जी को भी पता है कि कांग्रेस सरकार की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और आपने सुना होगा, इसका मेरे पास सबूत है। दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोगों को भले भरोसा न हो कि गहलोत जी जा रहे हैं, लेकिन गहलोत जी को खुद को भरोसा है कि वो जा रहे हैं। कार्यकर्ताओं की ताकत पर रिपीट होगी। कांग्रेस का कार्यकर्ता आज उत्साहित है, वो जानता है कि भविष्य हमारा है, नौजवानों के दम पर, किसानों के दम पर, और जो अभिलाषा कार्यकर्ताओं के मन में है उसको पूरा होते हुए देख वो तब संभव होगा जब हम सरकार दोबारा बनाएंगे। और यहाँ चुनाव जीतने के बाद 2024 का लोकसभा चुनाव होगा, वहां पर हम भी बहुमत लेकर एनडीए को हराएंगे।
राजस्थान में आपको बता दें कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में मुकाबला बेहद कड़ा है। बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है कि राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध, भ्रष्टाचार और लॉ एंड ऑर्डर जैसे मुद्दों पर घेर कर कांग्रेस को बैकफुट पर जाने को मजबूर करे। आइए तीसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा संकेत दे दिया है। उन्होंने इशारा किया है कि मुख्यमंत्री के रूप में ये उनका अंतिम कार्यकाल हो सकता है। शिवराज ने ये बात खुलकर नहीं कही, लेकिन एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं जब चला जाऊंगा तब याद आऊंगा। ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद आऊंगा। मैंने मध्य प्रदेश का राजनीति की परिभाषा बदल दी। हमारे गरीब भाई बहनों, किसान भाई बहनों, आपने बरसों तक ये हम कांग्रेस करा बताओ, कभी जनता की ऐसी चिंता होती थी क्या? वोट का बताओ होती थी क्या? अरे मैं कोई सरकार छोटी चलाता हूं, मैं परिवार चलाता हूं, परिवार। बीच के 15 महीनों को छोड़ दें तो साल 2003 से राज्य में बीजेपी का शासन है। इस साल होने वाले चुनावों में बीजेपी को जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है। इससे मुकाबले के लिए बीजेपी शिवराज को आगे कर चुनावी मैदान में नहीं उतरना चाहती। सीएम के रूप में शिवराज की ये आखिरी पारी हो सकती है, इसके संकेत पहले ही मिलने लगे थे। अब खुद शिवराज ने भी इसका इशारा कर दिया है। चौथी बड़ी खबर, एक बार फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग उठी है। आपको बता दें कि रविवार को जाट संसद में केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलग राज्य बनना चाहिए और मेरठ को इस नए प्रदेश की राजधानी बनाना जाना चाहिए। बालियान ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आबादी 8 करोड़ है और उच्च न्यायालय यहां से 750 किलोमीटर दूर है। ऐसे में यह मांग पूरी तरह जायज है। बालियान के बयान के बाद इस पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। एसपी नेता सुनील साजन ने बीजेपी पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जिस क्षेत्र को अलग बनाना चाहते हैं वहां के किसान परेशान हैं, उनके लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया और अब बंटवारे की बात कर रहे हैं। जनता पार्टी के दो मूल मंत्र हैं, नफरत और बंटवारा। जब महंगाई में घिर गए, बेरोजगारी बढ़ रही, उस पर कोई जवाब नहीं है। जिस क्षेत्र को अलग प्रदेश बनाना चाहते हैं वहाँ गन्ना किसानों का भुगतान नहीं है, किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। जब आप किसी का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो फिर आप वही मूल मंत्र पे आ गए अपने कि नफरत फैलाओ, बंटवारा करो। आपको बता दें कि 2012 के विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी की सरकार ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव दिया था। 16 नवंबर 2011 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने मंत्रिपरिषद की बैठक में यूपी को पूर्वांचल, पश्चिम प्रदेश, अवध प्रदेश और बुंदेलखंड में बांटने के प्रस्ताव को मंजूरी दी और फिर इसे यूपी विधानसभा में पेश किया गया। इस प्रस्ताव को 21 नवंबर 2011 को विधानसभा ने पारित कर दिया और फिर इसे केंद्र सरकार को भेज दिया गया। राष्ट्रीय लोकदल पहले से इसकी मांग करती रही है, लेकिन एसपी और कांग्रेस का रुख स्पष्ट नहीं है। आइए अब आपको पांचवी बड़ी खबर बता दें। रविवार रात को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों की दूसरी सूची पर चर्चा हुई। जानकारी के मुताबिक दोनों राज्यों में दूसरी सूची के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग गई है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अक्टूबर को छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे। उनके दौरे के बाद उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। अटकलें हैं कि मध्य प्रदेश की तरह बीजेपी इन दोनों राज्यों में भी बड़े चेहरों को मैदान में उतारेगी। इसे लेकर ब्लूप्रिंट तैयार है, हालांकि मीटिंग से बाहर निकले नेताओं ने इसकी पुष्टि नहीं की है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के चुनाव बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इसे एक तरह से सेमीफाइनल ही माना जा रहा है, इसलिए पार्टी कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहती। कांग्रेस को रोकने के लिए वो अपने बड़े नेता, जिनमें केंद्रीय मंत्री और सांसद भी शामिल हैं, उनको विधानसभा चुनाव में उतारने की रणनीति बना चुकी है। और अब चलते हैं कुछ और दूसरी खबरों की ओर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने
इन अफवाहों से इनकार कर दिया है कि वे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ेंगे। सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही हैं कि अनुराग ठाकुर इस बार चंडीगढ़ या फिर कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अनुराग ठाकुर ने स्पष्ट कहा है कि ऐसी अफवाहें कुछ लोग अपना मनोरंजन करने के लिए फैलाते हैं। गांधी जयंती के अवसर पर आपको बता दें, आज मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की कथित फूट डालो और राज करो की नीति के खिलाफ कांग्रेस द्वारा नफरत छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा निकाली। इस यात्रा में समाजवादी पार्टी, एनसीपी, आम आदमी पार्टी सहित कई अन्य दलों के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। इसके अलावा कई सामाजिक और गांधीवादी संगठनों के लोग भी इसमें शरीक हुए। यात्रा को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया और मेट्रो जंक्शन को खाली कराया। चीन समर्थक मोहम्मद मुइजू ने मालदीव में राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। उन्होंने भारत समर्थक इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को हराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुइजू को जीत पर बधाई दी है। मुइजू की जीत से चीन तो खुश है ही, पाकिस्तान में भी खुशी का माहौल है। तो चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए, हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें चुनाव आज तक। और हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें और फॉरवर्ड भी करें अपने फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को।